Hello friends, please subscribe our channel Ayurveda Tube. We will bring you latest videos related to health benefits and home remedies. Please press the bell icon to get notification of our new uploads. We hope you will give your support to आज हम जानते हैं बालतोड़ का कैसे इलाज कर सकते हैं। बालतोड़ का होना एक सामान्य बात है। जब शरीर का कोई बाल टूट जाता है, उस जगह पर घाव के साथ फोड़ा बन जाता है और फिर इसमें पस बन जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है और शरीर में बेचैनी हो उठती है या दर्द ज़्यादा सहा नहीं जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक उपाय के जरिए बाल तोड़ के दर्द से निजात पाया जा सकता है। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन बाल तोड़ में दर्द अधिक होता है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस इन आसान उपायों को करें। बाल तोड़ से निजात पाने के कुछ आयुर्वेदिक उपचार हम बता रहे हैं। शुरुआत में बाल तोड़ होने पर गेहूँ के 15 दानों को चबाकर उसका लेप बाल तोड़ वाली जगह पर लगाने से बाल तोड़ जल्द ठीक हो जाता है, या फिर नीम के पत्तों को पीसकर लगाने से भी बाल तोड़ में राहत मिलती है। दूसरा, देसी घी में 1 चम्मच मैदा मिलाकर उसे आग में पका लें और उसका पेस्ट बन जाने पर सोते समय बाल तोड़ वाली जगह पर बांध लें। 2 दिनों के भीतर ही बाल तोड़ ठीक हो जाता है। तीसरा, हल्दी में सरसों का तेल मिलाकर उसे गर्म कर लें और इसे बाल तोड़ वाली जगह पर लगाने से शीघ्र लाभ मिलता है। चौथा, पीपल की छाल को पानी के साथ मिलाकर घिस लें और इस पेस्ट को बाल तोड़ पर लगाते रहने से थोड़े ही दिन में बाल तोड़ से निजात मिल जाता है। मैदे में रुई को 15 से 20 मिनट तक भिगो लें और रुई को निचोड़कर बाल तोड़ वाली जगह पर बांधने से 3 दिनों में ही यह रोग ठीक हो जाता है। बाल तोड़ वाली जगह को हल्का सा दबाने से उसकी खील निकाल लें। यह थोड़ा सा दर्द जरूर करता है, लेकिन आसानी से खील निकल जाती है और इस जगह हल्दी को लगा लें। पिसी हुई मेहंदी भिगोकर उसे बाल तोड़ के स्थान पर गाढ़ा गाढ़ा लेप सुबह और रात को लगाने से बाल तोड़ जल्दी ही ठीक हो जाता है। इन आयुर्वेदिक उपायों के जरिए आप बाल तोड़ के दर्द से निजात पा सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम